हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होते हैं और यह दूसरे इंटरलॉकिंग सिस्टम से कैसे अलग हैं। दोस्तों, रेलवे में एशिया का सबसे बड़ा इंटरलॉकिंग सिस्टम खड़गपुर में इंस्टॉल किया गया है, जो कि एक सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जिसे कि रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम को रिप्लेस करके लगाया गया है। दोस्तों, वैसे तो रेलवे के इंटरलॉकिंग सिस्टम की जानकारी शेयर करना रेलवे के पॉलिसी के खिलाफ, लेकिन मैं वही जानकारी शेयर करूंगा जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल हो। दोस्तों, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में समझने से पहले हमें यह समझना है कि इंटरलॉकिंग क्या होता है। इंटरलॉकिंग का सीधा मतलब होता है इंटरलॉक या इंटरकनेक्टेड। अगर अलग अलग रूट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो मतलब कि वह इंटरलॉक में है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इसमें कोई भी रूट आपस में इंटरलॉक नहीं है, मतलब कि सामने से आने वाली ट्रेन को रेड सिग्नल मिलेगी। जब हम किसी रूट को सेट करेंगे तब वह पूरी ट्रैक आपस में इंटरलॉक हो जाएगी और आने वाली ट्रेन को सिग्नल मिल जाएगी। दोस्तों, रूट को टंग रेल के द्वारा सेट किया जाता है और इस टंग रेल को मूव करके रूट को सेट करने के लिए सबसे पहले मैकेनिकल इंटरलॉकिंग का यूज किया जाता था, जिसमें मैनुअली तरीके से रूट को लीवर के द्वारा टंग रेल को एडजस्ट करके सेट किया जाता था, जो कि बड़े बड़े स्टेशनों के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम होता था। फिर शुरुआत हुई रिले इंटरलॉकिंग की, जिसमें दो टाइप के इंटरलॉकिंग। पहला है पैनल इंटरलॉकिंग, जो कि छोटे यार्ड के लिए था, और दूसरा है रूट रिले इंटरलॉकिंग, जो कि बड़े यार्ड में यूज किए जाते हैं। इस सिस्टम में रिले का यूज करके ट्रैक पर लगे गियर मोटर को ऑपरेट करके रूट को सेट किया जाता है। इसमें पैनल के द्वारा जिस रूट से ट्रेन को ले जाना होता है उसके सिग्नल बटन और रूट बटन को एक साथ प्रेस करने पर रिले ट्रैक पर लगे गियर मोटर को कमांड देता है और सारे रूट ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। इस सिस्टम में ध्यान नहीं देना होता है कि रूट पहले से किस तरफ सेट है, चाहे वह जिधर भी हो वह ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। दोस्तों, इस आरआरआई इंटरलॉकिंग के द्वारा 423 रूट को ही सेट किया जा सकता है और सेट करने के लिए पैनल से बटन को प्रेस करना पड़ता है। सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग पूरी तरह से माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जो कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पीएलसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसके द्वारा मिनटों में 800 से अलग रूट को एक साथ सेट किया जा सकता है और सारे सिस्टम प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल होने के कारण कोई भी गड़बड़ी होने की संभावना नहीं होती है। इस सिस्टम में बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं, जिसमें सारे रूट का एक स्काडा तैयार किया जाता है। यहाँ से जिस जिस रूट को सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट करके स्टार्ट कमांड दे दिया जाता है। उसके बाद वह कमांड पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल को जाती है, जहां पर रिले लगे होते हैं जो कि ऑन हो जाते हैं, जिससे फील्ड में लगे गियर मोटर को कमांड मिल जाता है और वह मोटर ऑन होकर टंग रेल को ऑपरेट करके रूट को सेट कर देते हैं और सिग्नल मिल जाती है। इस टेक्नोलॉजी से बहुत ही आसानी से एक ही बार में कई रूट को सिर्फ एक क्लिक में सेट किया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग क्या होता है और यह दूसरे इंटरलॉकिंग से किस तरह से अलग है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।